गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चार्ट सेंड करा था, उस चार्ट में मैंने आपको उसके नाम बता दिए थे। आज हम उनको डिटेल्ड पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, और एक्चुअली उसके बेस पर, उसको उनके न्यूट्रिशन के बेस पर उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, तो वो उसमें हम उसके डिटेल्ड आज स्टडी करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस। हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे पर फिर भी बताती हूँ मैं आपको कि हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड अदर सोर्सेस से लेते हैं, ये ना, अदर सोर्सेस मतलब कि वो प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं, तो उनसे जब अपना फूड लेते हैं तो उसको वो क्या, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इनको इनके फूड हैबिट के बेस पर थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस बेस पर, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बेस पर। फर्स्ट होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग प्लांट्स बॉडी से लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं बॉडी के इनर और आउटर साइड पे, हमारे इंटेस्टाइन में भी हो सकते हैं, है ना, कुछ कैटल के इंटेस्टाइन में भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ऐसे जो एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम सेल्यूलोज नहीं लेते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो लीव्स लेते हैं, इसलिए उनमें सेल्यूलोज होता है, तो उनमें जो सेल्यूलोज होता है उसके डाइजेशन में ये मदद करते हैं, जैसे काउ, है ना। और ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। पैथोजेनिक में कौन से आते हैं, जो पैथोजेनिक में मतलब कि जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस और क्लास्ट्रिडियम, ये बैक्टीरियाज जो कि डिसीज फैलाते हैं। पर ये हमारे लिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हेल्पफुल भी होते हैं, होते पैरासाइट के फॉर्म में ही हैं पर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी बता दिया है आपको, जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में, है ना, जो कि कहाँ होते हैं, जैसे एनिमल और ऑर्गेनिजम्स के इंटेस्टाइन में। देन सेकंड आता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब ये होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से लेते हैं। डेड मतलब कि जिन जो ऑलरेडी जिनकी डेथ हो गई है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, है ना, तो जब उनसे वो लेते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब डीकम्पोजिशन का ही वर्क करते हैं, है ना। तो किसी भी चीज़, जैसे कोई सड़ गई है, कोई गल गई, आपने देखा होगा कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी डीकम्पोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इस तरह का जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। देन आते हैं फिर सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन रखते हैं। अब म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जिसमें कि दोनों को हेल्प हो, मतलब ये दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ सर्वाइव करते हैं और दोनों को हेल्प होता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लेग्यूमिनेसी प्लांट्स। लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा, जिनके रूट नोड्यूल्स जो होते हैं उनमें गठाने होती हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, सॉरी उनके रूट्स में, उनमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और इस नाइट्रोजन को वो किसको दे देते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में प्लांट्स को दे देते हैं, और वही प्लांट जो होते हैं बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह, फूड, ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट्स पहुँचा रहे हैं, तो इस तरह का जो बेनिफिट होता है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक। देन नेक्स्ट जो है थोड़ा ब्रॉड है, इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, इट मींस ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड सेल्फ बना रहे हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये भी टू टाइप के होते हैं, एक बार मैं चार्ट में आपको अच्छे से शो कर दूंगी, वैसे मैं वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। इसमें होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब फोटो का मतलब हो गया लाइट, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपने लाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, अपना फूड फॉर्म करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं,
ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें जो होता है फर्स्ट उसको बोलते हैं फोटोलिथोट्रॉपिक। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो गए, हाइड्रोजन और कार्बन, है ना। तो ये अपनी फोटोसिंथेसिस जो होता है उसकी प्रोसेस में क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन पर डिपेंड करते हैं, उसके कंपाउंड्स पर डिपेंड करते हैं। ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सल्फर के प्रेजेंट में लाइट बैक्टीरियो विरिडिन जो इसमें पिगमेंट होता है उसकी प्रेजेंस में तोड़कर, किसको तोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको क्या कर देते हैं, ये तोड़ देते हैं और उससे क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं अपना फूड। और वो फूड क्या होता है, वो फूड होता है ग्लूकोज। जैसे कि इसमें आपको रिएक्शन में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसमें रिएक्शन में आपको दे रखा है, ये दिख रहा होगा आपको 6CO2। तो ये क्या कर रहे हैं, जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं CO2 को H2S की के द्वारा लाइट बैक्टीरियो विरिडिन की प्रेजेंस में किस में तोड़ देते हैं, ये क्या है, ये है ग्लूकोज। और क्या मुक्त कर देते हैं, सल्फर रिलीज कर देते हैं। देन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये भी CO2 वाटर का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर जो होता है सल्फर कंपाउंड का ये यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं Na2S2O3। और फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद ये लाइट बैक्टीरियो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल आ गया मतलब ये क्या हो गया, एक पिगमेंट हो गया। जब तक पिगमेंट नहीं होता तब तक कि फोटोसिंथेसिस या फिर फूड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या बनाते हैं, C6H12O6, ये क्या बना, ग्लूकोज बना। और लास्ट में क्या बनता है, सल्फर कंपाउंड ही बनता है और ये बनता है H2O, है ना। तो ये चार्ट में ऑलरेडी शो आपको मैं कर चुकी हूँ, चार्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आज हम इसको डील ही पढ़ेंगे। देन फिर आते हैं बी जो है बैक्टीरिया, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, दिस बैक्टीरिया यूटिलाइज सम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो यूज़ कर रहे हैं ये एक तरह से कंपाउंड का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते CH3CHO CH2 HCH2, है ना। तो किसको तोड़ेंगे, ये भी CO2 को तोड़ते हैं और क्या बना लेते हैं, वापस क्या बना लेंगे, ये फूड बना लेंगे, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की पिगमेंट की प्रेजेंस में। तो इनका टोटल एक्चुअली वर्क क्या होता है, इनका वर्क होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, दिस बैक्टीरिया आर नॉन फोटोसिंथेटिक। ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं होते, मतलब कि ये बिना बिना लाइट की प्रेजेंस में ही फूड का फॉर्मेशन करते हैं। पर इनका सोर्स क्या होता है, इनके सोर्स होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना। जैसे कि फर्स्ट आता है इसमें कीमोलिथोट्रॉपिक, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो इनमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें टोटल चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये यहाँ पे ऊपर हमने देखा था, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और हाइड्रोजन बैक्टीरिया। फर्स्ट कौन से हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, अमोनिया का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, इनको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं ये, है ना। मतलब ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ पर टूटती है और किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है नाइट्रेट का, है ना। तो यहाँ पर ये जो बना है ये क्या बना है, नाइट्रेट बना है। अब ये नाइट्रेट जो होता है हाफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाता है, नाइट्राइट बनाता है, है ना। और क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। फिर आता है सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द सल्फर कंपाउंड, ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर को। यहाँ पर भी क्या होती है, ऑक्सीजन टूटती है ना, टूटने से क्या बना लेगा, सल्फर बना लेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। इसको नाइट्रीफाइंग बोलते हैं क्योंकि ये क्या बनाता है, नाइट्राइड। और लास्ट में इससे भी क्या निकलती है, एनर्जी, और इससे भी निकलती है एनर्जी। देन जो नेक्स्ट आते हैं,
फिर आते हैं आयरन बैक्टीरिया, है ना। यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी कि जो सल्फर उधर बनी थी वो क्या करते हैं, जल मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में लास्ट में क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। तो सल्फर बैक्टीरिया का लास्ट में एक्चुअली उद्देश्य होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाना, है ना, और लास्ट में क्या निकलती है, एनर्जी। देन फिर आते हैं आयरन बैक्टीरिया, और स्वाभाविक सी बात है अगर आयरन नाम आ गया है तो यहाँ पर क्या होगा, जो फेरस होता है, फेरस कंपाउंड किस में बदल जाता है, फेरिक कंपाउंड में, किसकी प्रेजेंस में, वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आपको दिख रहा होगा FeOH2, तो ये क्या है, फेरस है, और ये क्या है, Fe2, FeOH2, ये क्या है, फेरिक है। तो यहाँ पर फेरस जो है वो किस में बदल गया, फेरिक में बदल गया, और लास्ट में क्या निकलती है, एनर्जी, है ना। किसी भी चीज़ का अपघटन होगा तो लास्ट में, या डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, एनर्जी ही रिलीज होती है। फिर आते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या होते हैं, दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एनर्जी किससे बनेगी, यहाँ पर बनेगी हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से। यह हाइड्रोजन आपको दिख रहा है और ये हाफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, हाफ ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या होगा, किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये वाटर का और एनर्जी का। देन लास्ट आता है कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक। कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या होता है, दिस बैक्टीरिया रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी ऑब्टेंड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इट मींस जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, किसका यूज करके, कार्बनिक या ऑर्गेनिक मैटर का यूज करके, है ना। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, इसमें मीथेन हो गया, मीथेन प्लस 2H2O2, है ना, मतलब कि ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे लास्ट में क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी। तो इस तरह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं अपने लिए, सबके लिए ही क्या करते रहते हैं, कोई सल्फर का को रिलीज कर रहा है, पर लास्ट में इनको क्या मिल रही है, एनर्जी। इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको एक चार्ट से भी बताया था, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये चार्ट मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, इसके मैं क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आपको सेंड कर दूंगी, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। हेटरोट्रॉपिक हो गया, तीन टाइप का हो गया, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक। ये सब तो नाम से ही स्पष्ट है, आपको नाम तो लर्न करने ही पड़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक में ये हो गए फोटोलिथोट्रॉपिक और फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक। फोटोलिथोट्रॉपिक में ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर, फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक में पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, है ना। अब इधर आ जाते हैं हम, ये चार्ट थोड़ा बड़ा है। कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं दो तरह के होते हैं, कीमोलिथोट्रॉपिक और कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक। कीमोलिथोट्रॉपिक चार तरह के होते हैं, नाइट्रिफाइंग, सल्फर, आयरन एंड हाइड्रोजन बैक्टीरिया। और कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक मीथेन बैक्टीरिया होते हैं। अब इसमें मीथेन का क्या हुआ था, मीथेन टूटा था, यहाँ पर हाइड्रोजन टूटे थे, आयरन फेरस पे फेरिक बना था, सल्फर टूटकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो ये नाम अगर आपने अच्छे से लर्न करे हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट जो तरीका है या ट्रिक है वो यही है कि आप सबसे पहले इसका चार्ट लर्न करो। अगर आपने चार्ट अच्छे से लर्न करा है देन आपको ये आंसर अपने आप ही याद हो जाएगा, और रिएक्शन तो आपको बनानी ही पड़ेगी। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, थैंक यू।